नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। सबसे पहले सुर्खियां। देश के युवाओं को और बच्चों को जीके का एक नया फैक्ट पता चल गया। एयर चीफ मार्शल बने हैं नए राकेश कुमार भदौरिया। आज उन्होंने चार्ज लिया, यानी आज ही के दिन पिछले एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ रिटायर हो गए। भदौरिया आगरा के रहने वाले हैं। तेजस समेत कई बड़े वायुसेना प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। राफेल खरीदने वाली जो कमेटी थी उसके भी मेंबर रहे। आज जब उन्होंने चार्ज लिया तो पत्रकारों ने पूछा, क्या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक फिर होगी? भदौरिया का जवाब था, जब जरूरी लगेगा कार्रवाई करेंगे। दूसरी सुर्खी, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी है, यानी वो तिहाड़ में बने रहेंगे। आखिरी सुर्खी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा में भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 90 सीटें हैं, 78 के लिए नामों का ऐलान किया, 38 विधायकों को टिकट मिला, 7 का कट गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से करनाल से चुनाव लड़ेंगे। मशहूर रेसलर बबीता फोगाट दादरी से लड़ेंगी और योगेश्वर दत्त, ये भी पहलवान है, ये बड़ौदा से लड़ेंगे। ये हरियाणा वाला है, गुजरात वाला नहीं है। चर्चा में एक और टिकट है, मुंबई की वर्ली सीट से। खबरें हैं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य यहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर ये होता है तो शिवसेना के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई ठाकरे चुनावी मैदान में उतरे। माना जा रहा है कि आदित्य को मैदान में उतारकर डिप्टी सीएम के पद पर शिवसेना अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। पिछले दिनों जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछा गया था तो उनका भी यही जवाब था कि ये शिवसेना को तय करना है। एक बात बहुत चल रही है आदित्य के अनाउंसमेंट के साथ कि ये पहला ठाकरे होगा जो चुनाव लड़ रहा होगा, ये सत्य नहीं है। शिवसेना के टिकट पर हां, अदरवाइज 2009 में राज ठाकरे के चचेरे भाई जितेंद्र ठाकरे की पत्नी शालिनी ठाकरे मनसे के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से, और तीसरे नंबर पर रही थी। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज की बड़ी खबर मुझसे, आपसे, हम सब से जुड़ी है। ये एक हथियार से जुड़ी है, बेहद खतरनाक, जो मेरे और आपके हाथ में है। ये मोबाइल फोन है, ये हमें बहुत बीमार बना रहा है। आप कहेंगे आ गए सौरभ द्विवेदी फिर से ज्ञान देने डिजिटल डिटॉक्स पे। मैं कहूंगा आज ज्ञान नहीं है, कुछ क्रूर सच्चाइयां हैं। बिहार चलिए मेरे साथ, राजगीर पढ़ते हैं ना इस जगह को, जब बुद्ध जैन इन सब के बारे में पढ़ते हैं तब इन जगहों का जिक्र आता है, शांति का, संयम का, जीवन की व्यवस्था का। मध्यकाल के मगध देश की राजधानी नालंदा का एक छोटा सा शहर, अब न बुद्ध है न मगध है, नालंदा महज एक शहर है और राजगीर है, जहां से कुछ वीडियो वायरल होते हैं। वीडियो इतने दर्दनाक हैं कि जब हमने खबर के वास्ते, आप में से कई लोगों ने हमें भेजे, इनको देखा तो रूह कांप गई, सो नहीं पाए ठीक से। हमारे ज्यादातर साथी वीडियो नहीं देख पाए। क्या है वीडियो में, लड़का और लड़की हैं, पहाड़ियों पर बैठे हैं, कुछ लोकल लोग लड़के उन्हें घेर लेते हैं। फिर जो होता है वो निर्भया जैसा है, बच्ची को पीटा जाता है, 13 साल की बच्ची, कह रही है बहन समझकर छोड़ दो, कह रही है ट्यूशन के लिए देर हो रही है, और जिन लड़कों ने उसे घेरा है वो उसे रेप कर रहे हैं, उसका बलात्कार कर रहे हैं उसके गिड़गिड़ाने के बावजूद, और वीडियो बना रहे हैं वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, फिर वीडियो वायरल हो जाता है। अखबारों की माने तो इस मामले का ये वीडियो पिछले हफ्ते सोमवार मंगलवार यानी 23-24 सितंबर को राजगीर और नालंदा के इलाकों में फैला और फिर सोशल मीडिया के सहारे पूरे देश में कार्रवाई की मांग हुई। नालंदा में प्रदर्शन हुए, 25 तारीख को राजगीर बंद हुआ, बात आगजनी और सड़क जाम तक पहुंची। सड़क पर उतरे लोग कह रहे थे या तो संदिग्धों को फांसी दी जाए या जनता के हाथों सौंप दिया जाए। पुलिस क्या कर रही थी, प्रदर्शनों के एक रात पहले ही यानी 24 सितंबर की रात पुलिस छापेमारी कर रही थी। एसपी नीलेश कुमार और डीएसपी सोमनाथ प्रसाद ने गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार होने वालों में थे गंगा राजवंशी, करण राजवंशी, गूगल राजवंशी, विजय कुमार और सोनू कुमार। ललन टॉप के हमारे साथी सिद्धांत ने नालंदा के एसपी नीलेश से बात की, पता चला कि घटना 16 सितंबर की है, पर 24 सितंबर को इस मामले का वीडियो पुलिस को एक स्थानीय पत्रकार से मिला। इसके बाद पुलिस ने वीडियो और सूत्रों के सहारे पीड़िता की शिनाख्त की। एक टीम पीड़िता से मिलने गई, बच्ची की काउंसलिंग हुई, फिर उसे FIR दर्ज करने के लिए मनाया गया।
लड़की ने FIR में बलात्कार की बात कही। बयान दर्ज हुआ, मेडिकल जांच हुई और फिर गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि नालंदा के इस इलाके में ऐसी घटनाएं लंबे समय से होती आ रही हैं। कई बार प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए ऊपर जाते हैं पहाड़ियों में और स्थानीयों ने घेर लेते हैं, कभी छेड़ते हैं, कभी लूटते हैं, कभी बलात्कार करते हैं और वीडियो बनाते हैं। बदनामी, लोकलाज, इसके डर से कोई कुछ कहता नहीं है। हालांकि पुलिस यानी कि SP नीलेश कुमार ने इस बात से इनकार किया है और कहा है कि उनके प्रशासनिक काल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली घटना है और पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। आप कहेंगे राजगीर में हुआ, हमारे यहाँ थोड़ी होता है। आप कहेंगे जी ये कम पढ़े लिखे बच्चे होंगे, ये बदमाश बच्चे होंगे इसलिए ऐसे हुआ, हमारे बच्चे ऐसा थोड़ी करेंगे। आप कहेंगे हमारे घर की लड़कियाँ ऐसे नहीं करेंगे, सब हमारे कह के पल्ला छुड़ा लेंगे। पर सत्य क्या है, हम सब के घर में मोबाइल है, हम सब के घर में बेलगाम इंटरनेट है, हम सब के घर में सेक्स पे बात करना टैबू है, बात नहीं करते, संस्कार खतरे में पड़ जाते हैं, फिर एक बड़ा खतरा लेके प्रेमी युगल कहीं मिलने जाते हैं, फिर नौजवान किशोर और बड़ा खतरा लेते हैं, इन लोगों को वीडियो बनाकर डराते हैं, धमकाते हैं और इतने घिनौने क्राइम करते हैं। सब इसलिए क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द झूठे संस्कारों की चुप्पी ओढ़ रखी है। ये घिनौना पैटर्न है, खबरें लगातार आती हैं बलात्कार की, वायरल वीडियोज की, कभी अलवर, कभी कन्नौज, कभी कौशाम्बी तो कभी गया। प्रदेश बदल लीजिए, जगह बदल लीजिए, कहानी एक सी है। सुनसान इलाके में लड़का लड़की मिलते हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग चालू होती है जिसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स कैद हो जाते हैं जिसके बूते इन नौजवानों को या बच्चों को डराया जा सकता है, फिर ये घटनाएं होती हैं। जानकार बताते हैं कि ऐसे अपराधों के बाद विक्टिम पर दोहरी मार पड़ती है, एक तो बलात्कार या छेड़खानी जैसा अपराध, उस पर भी वीडियो वायरल यानी समाज में बदनामी का डर, और इन्हीं सब के चलते अपराधियों को लगता है कि वो बचे रहेंगे। अंग्रेजी का एक शब्द होता है वल्नरेबल, मतलब जिस पर हमला करना आसान हो, जैसे बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उनको बताने में दिक्कत होती है, उनको पता नहीं होता है कि ये जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है कि सही, इसीलिए मांग होती है कि स्कूलों में गुड टच बैड टच सिखाया जाए। वल्नरेबल जैसे लड़कियां जिनको प्यार की तलाश में, जिनको एक विपरीत जेंडर वाले से बात की तलाश में कहीं जाना पड़ता है, फिर उनके साथ ही अपराध होते हैं। जैसे लड़के जो अपने से अलग जेंडर वालों से बात नहीं कर पाते, फिर बात करने के लिए कभी पार्कों में, कभी मकबरों में, कभी सुनसान जगहों पर जाते हैं। यदि समाज में इतना खुलापन हो कि ये लोग अपने स्कूलों में, अपने मोहल्लों में, अपने घरों के ड्राइंग रूम में आराम से बात कर सकें, तो ये क्यों छिपे छिपे फिरें? यदि इतना खुलापन हो कि सही और सही और गलत सेक्स एजुकेशन और सेक्स रिलेटेड क्राइम पर मिलने वाले अपराधों की शिक्षा स्कूल के स्तर पर दी जाए, परिवार के स्तर पर दी जाए, इन अपराधों के चलते जो आशंका जुड़ती है भविष्य के साथ उनके बारे में बार बार लगातार बताया जाए, तो शायद ये कम हो। ये सब घर से शुरू होता है, ये सब विद्यालय से शुरू होता है। संस्कार दीजिए सत्य बोलने का, संस्कार दीजिए निर्भय होने का, संस्कार दीजिए कि उनके साथ कुछ भी कभी भी गलत हो जाए वो आके आपको बता सकें ताकि आप उसे सही कर सकें। बड़ी खबर में फिर चलते हैं बिहार की तरफ। अब बात करेंगे बाढ़ की। अब तक बारिश के चलते 29 मौतें हो चुकी हैं, आधा राज्य प्रभावित है, पटना राजधानी है पानी में डूबी है, मंत्री भी डूबे हैं, तो खूब खबरें बन रही हैं। आलम यह है कि बिहार सरकार ने केंद्र से वायुसेना के हेलीकॉप्टर मांगे हैं, कोयला मंत्रालय से पानी निकालने के लिए पंप मांगे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुशील कुमार मोदी डेप्टी चीफ मिनिस्टर बाढ़ से नहीं बच पाए, पटना में पानी भरा तो घर भी जद में आया और NDRF की टीम ने पहुंचकर उनके परिवार को निकाला। 3 दिन से उनके घर में पानी था, निकाले गए, मीडिया ने ज्यादा जानना शुरू किया तो दूरी बनाकर निकल गए। शारदा सिन्हा एक और उदाहरण, बिहार की मशहूर गायिका लोक गायिका पानी में फंसी हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर जब उन्होंने अपील की तब NDRF की टीम ने उन्हें निकाला। हम आपको बड़ी हस्तियों की दुख भरी कहानी नहीं सुना रहे, ये बताना चाह रहे हैं कि पटना में जल भराव का ऐसा हाल है कि पौश इलाके और ताकतवर लोग भी इस त्रासदी से नहीं बचे हैं। लोग बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि 1975 के बाद पहली दफा पटना इतनी बुरी तरह डूबा है। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार की एक बात खूब दोहराई जा रही है, उन्होंने कहा है कि नेचर किसी के हाथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हिम्मत से काम लेने की जरूरत है।
पर हर कोई ऐसा नहीं मान रहा। What you see in Patna and the adjoining area is not caused by the flood. It is caused by the complete failure of the civic system. Nitish Kumar ji has been in government for close to 14 years. This is what, in just one reign of 24 hours, your government stands exposed. कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की चेतावनियां पहले से थीं, बार बार जलभराव पर दोष मढ़ा जा रहा है। शासन प्रशासन सही समय पर नहीं चेता। नालियों की सफाई, प्लास्टिक का निस्तारण, ड्रेनेज के सुधार जैसे बेसिक काम अगर कर लिए होते तो पटना का ये हाल नहीं होता। यहीं पर स्वीकार भी मिलते हैं, मसलन केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, उन्होंने माना कि पटना के सीवर सिस्टम में गड़बड़ी है। वो भरोसा दिलाते हैं कि मैंने फरक्का डैम के सारे गेट खुलवा दिए हैं, एयर ड्रॉप की व्यवस्था की है, चीजें सुधरेंगी। राज्य सरकार भी 36 बोट और 75 ट्रैक्टर बचाव में लगाकर 26,000 लोगों को बचा चुकी है। मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश से राहत मिलेगी, पर सवाल ये है कि बारिश और बाढ़ से तो राहत मिलेगी, पर यह राहत भविष्य में भी रहेगी क्या? क्या पटना सबक लेगा? शेयर मार्केट की तिकड़मबाजी अगर आपको पसंद है तो ये खबर आपके लिए है। जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको भी सुनना चाहिए। इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC शेयर बाजार में उतर गई है। कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO ले आई है, यानी आप अब इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, इसके छोटू से मालिक बन सकते हैं। भारतीय रेल से जुड़ी ये चौथी कंपनी है जो शेयर मार्केट में उतरी है। इससे पहले RITES रेल विकास निगम और एयरकॉन अपने शेयर ला चुके हैं। शेयर मार्केट को जितना इंतजार IRCTC का था, उतना इन कंपनियों का नहीं। वजह सिंपल है, IRCTC सरकारी कंपनी है और मुनाफे में है, और ये सिर्फ टिकट नहीं बेचती, ये इकलौती कंपनी है जो भारतीय रेल को कैटरिंग सर्विस देती है। देश में जो निजी ट्रेनें चलने वाली हैं वो IRCTC ही चलाने वाली है, इसलिए निवेश करने के हिसाब से ये एक मजबूत कंपनी मानी जाती है। और अब जाकर वो दरवाज़ा खुला है जिसके जरिए आम लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी जितने बेचना चाहती है उसके 60% से ज़्यादा के लिए आवेदन आ चुके हैं, और एक दरवाज़ा हम आपके लिए खोल रहे हैं। आसान भाषा में बताएंगे, IRCTC के शेयर को लेकर इतना भब्बड़ क्यों है? पहला सवाल, कितने शेयर बेच रही है IRCTC? जवाब, 99%। नहीं, इतने बेच नहीं रही है। इतने शेयर भारत सरकार के पास होते हैं, सरकार राष्ट्रपति के नाम पर चलती है, यानी कि उनके पास होते हैं। कंपनी इनमें से 12.5% शेयर बेचना चाहती है। इस हिस्सेदारी को 2,01,60,000 शेयर में बांटा गया है। हर शेयर की कीमत 315 से 320 के बीच रखी गई है। अनुमान है कि कंपनी इन शेयर्स को बेचकर तकरीबन 645 करोड़ रुपए जुटा लेगी। कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में उतरी है, इसलिए शेयर बिक्री को इनिशियल पब्लिक इशू कहा जा रहा है। आप कैसे खरीद सकते हैं IRCTC के शेयर, अगर आपकी मर्जी हो तो? IRCTC का IPO खरीदने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे पैसे के लेन देन के लिए बैंक अकाउंट होता है, वैसे शेयर के लेन देन के लिए डीमैट अकाउंट। शेयर खान, IIC डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग जैसे कई संस्थान हैं जहां से आप ये डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। अमूमन हर बैंक आपको अपने साथ डीमैट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देता है। खाता खोलने के बाद जितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं उतने पैसे आपको अकाउंट में डालने होंगे। फिर आपको डीमैट अकाउंट के IPO सेक्शन में जाकर IRCTC के IPO के लिए अप्लाई करना होगा। कुछ शर्तें होती हैं, मसलन कम से कम 40 शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करना होगा। 40 से ज़्यादा लेने हैं तो 40 के गुणांक में ही लेने होंगे, जैसे 80, 120। ये नहीं कि भैया ठीक ठीक लगा दो 41 दे दो। आप अधिकतम 16 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट यानी कि 40 शेयर, 16 लॉट यानी कि 640। 1,60,000 शेयर IRCTC के कर्मचारियों के लिए रिजर्व है। आम रिटेलर यानी हमारे आपके जैसे लोग, उनके लिए 70,56,000 शेयर उपलब्ध हैं। शेयर के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 3 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर को पता चलेगा आपको कितने शेयर मिले। अगर कुल संख्या से ज़्यादा आवेदन आए तो कहा जाएगा कि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। ऐसी स्थिति में IRCTC लॉटरी से शेयर का बंटवारा करेगी। लॉटरी में आपको जितने मिले वो आपके, आवेदन से कम मिले तो बचा हुआ पैसा आपके डीमैट अकाउंट में 10 अक्टूबर को वापस आ जाएगा। बाजार में ये बात तय मानी जा रही है कि IRCTC का IPO ओवर सब्सक्राइब होगा। 12 अक्टूबर को ये IPO शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप अपने शेयर मार्केट रेट पर बेच पाएंगे। अंदाजा है कि बाजार में IRCTC का शेयर IPO वाले मूल्य से 20 से 30% ऊपर बिक सकता है। कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब डिजिटल पे शो देखें, टीवी वाले चिट्ठी पत्री लिख सकते हैं। पता सिंपल है, संपादक दी लल्लन टॉप शो, इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स,
फिल्म सिटी सेक्टर 16 नोएडा उत्तर प्रदेश। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।